नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन की बैठक आयोजित की गई। आज सागर जिले के राहतगढ़ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन की बैठक का आयोजन राहतगढ़ स्थित वार्ड क्रमांक 7 भट्टी मोहल्ला पर बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरिफ खान ने की, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुसलमान कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष आरिफ खान ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर आपस में भाईचारा कायम करें, इस संगठन को मजबूत बनाना है। इस संगठन को बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। इस संगठन में मुस्लिम समाज की सभी समाज के लोग जुड़ सकते हैं। यह किसी एक समाज का संगठन नहीं, इस संगठन में मुस्लिम समुदाय में जितनी समाज आती हैं वह सब जुड़ सकते हैं। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम वर्ग को अगर कोई समस्या आती है तो हम अपनी आवाज़ इस संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मुस्लिम वर्ग में गरीब लोग हैं, उनके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो हम इस संगठन के माध्यम से उनकी मदद कर सकें। संभागीय संगठन प्रभारी वसीम खान ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान सनी भाईजान, सलमान कुरैशी पत्रकार, आमिर मंसूदी चिश्ती, आसिफ नेता आमिर कुरैशी एवं नगर अनेक मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। राहतगढ़ के मुस्लिम समाज के सभी संगठन वाले हैं, जो समाज वाले हैं, सभी को एकता के प्रतीक के लिए बैठक की गई है, जिसमें मुस्लिम लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, मस्जिद की जगह है, कब्रिस्तान की जगह है, कोई भी अगर दिक्कत आती है मुसलमानों के लिए तो वो एक साथ संगठन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, बातचीत कर सके। इस संगठन का क्या उद्देश्य? हमारे संगठन का उद्देश्य है कि सरकार के नियम अनुसार पूर्णतः सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संगठन को आगे बढ़ाएं। मुस्लिम के जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत है, जिनके लिए हर प्रकार की मदद की ज़रूरत है, मुस्लिम इस संगठन के जरिए हम उनकी मदद करना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। आज कुछ नियुक्ति हुई है क्या? नहीं नहीं, अभी कमेटी की अभी चर्चा की है सब मुस्लिम भाइयों से हमारे राहतगढ़ के। अब कमेटी बैठेगी, कमेटी का गठन हुआ है, बातचीत हुई है, कमेटी की गठन होगी तो पद देंगे सबके लिए।